हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टूपिकर क्लासेस में। और आज एक बार फिर से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने आपको पिछली दो वीडियोस में क्या बताया था कि इक्वेशन कैसे पहचानते हैं, जब डिग्री उसकी 2 हो, एक्स स्क्वायर। एक्स के ऊपर जब भी 2 लिखा होगा तो क्या होगा, वो एक्स के ऊपर जब भी 2 लिखा होगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वेश्चन आते हैं आपके कि एक नंबर में कि आप पहचानिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी, तो इतना तो आप जान ही चुके होंगे। उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे लिखा है गाइस, ये मैं आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। एनसीईआरटी मेरी कोशिश रहेगी कि एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन आपको मेरी इन्हीं वीडियोस पे मिले, क्योंकि लॉकडाउन है और बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट का लॉस नहीं होना चाहिए इस लॉकडाउन में। तो मैं एनसीईआरटी पूरी कवर करने का पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग के एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं, आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन मिलेंगे 10th क्लास के। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के 4 मेथड होते हैं। मेथड्स कौन कौन से हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म और फॉर्मूला मेथड होता है, और एक ग्राफ का मेथड होता है। हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे, तो मैंने जैसा आपको बताया था कि इस वीडियोज में मैं आपको क्या करवाऊंगा, लैंग्वेज बेस क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए, लैंग्वेज बेस क्वेश्चन करने से पहले, हम एनसीईआरटी का 4.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जाम्पल जो आपका लैंग्वेज बेस है वो देखते हैं। जैसे आपका ये वाला एग्जाम्पल मैंने लिया है, जॉन, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने आपका लिया है, एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो यहां पे एग्जाम्पल आपका क्या कह रहा है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, जॉन और जीवांती पे कितने मार्बल्स है, एक साथ है उनपे 45 मार्बल्स। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों क्या करते हैं, 5 मार्बल्स उसमें से खो देते हैं। गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको क्या करना है, उनमें आपको लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज का हिंदी मीनिंग अच्छे से आना चाहिए समझ में, तभी आप इक्वेशन बना पाएंगे। ठीक है, तो ये मस्ट है, तो आप अच्छे से पढ़ें और उसे समझें और फिर उसकी इक्वेशन बनाएं। ठीक है, इसमें यही प्रॉब्लम बच्चों के साथ आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना तो वो सीख जाते हैं, बट लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें वो फंसते हैं। क्यों फंसते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं जान पाते। तो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, दोनों के पास मिलके कितने हैं, 45 मार्बल्स हैं, जॉन के पास और जीवांती के पास। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों क्या करते हैं, 5 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों 5 मार्बल्स खो देते हैं। अच्छा, अगर बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच नहीं लिखा होता तो क्या होता, तो इसका मतलब होता कि दोनों ने मिलकर खोए हैं, लेकिन ईच की बात कर रहे हैं, मतलब प्रत्येक, हर एक ने, दोनों ने 5 मार्बल्स अपने लॉस कर दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब उनका प्रोडक्ट कितना है, जो पहले जैसे पहले जो क्वांटिटी उनपे थी, उन्होंने 5 मार्बल्स खो दिए, उसके बाद दोनों की नंबर को इंटू करेंगे, प्रोडक्ट में इंटू, तो 124 आएगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि दोनों पे कितने मार्बल्स थे। चलिए आइए देखते हैं ऐसे सॉल्यूशन, इन टाइप्स के क्वेश्चन का कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कह रहा है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर है 45 मार्बल्स, तो आप किसी भी एक का एक्स मान लीजिए, कि मान लो जॉन के पास एक्स मार्बल है, जॉन के पास कितने मार्बल है, एक्स मार्बल है, या आप जीवांती का भी ले सकते थे एक्स मार्बल, आप किसी एक का ले लीजिए, जॉन का ले लीजिए या जीवांती का ले लीजिए। ठीक है, जॉन के पास एक्स मार्बल है, अब आपको क्या करना है, देन द नंबर ऑफ मार्बल जीवांती हैड, भाई जाहिर देखिए, आप इतनी
सिंपल बात है, अगर दो दो कोई दो कॉम्बिनेशन दो ऐड करके आपका 45 बन रहा है, तो दूसरा दूसरे के पास कितना होगा जीवांती के पास 45 माइनस एक्स, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है जॉन एंड जीवांती दोनों के पास मिलके 45 मार्बल है, ठीक है ना। तो लेट द नंबर्स ऑफ मार्बल जॉन हैड एक्स, एक के पास एक्स है तो दूसरे के पास क्या होगा 45 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों को मिला के कितना हो रहा है 45 आ रहा है। तो एक्स कोई भी संख्या हो, मान लो एक्स की वैल्यू 10 थी तो 45 में से 10 माइनस कर दिया तो जीवांती के पास कितना रह गया 35, 10 नहीं थी, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो 45 माइनस एक्स रह गया, अब ये वाली कंडीशन लगेगी, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, ठीक है। प्रोडक्ट कितना है उनका 124। अब जब माइनस, अच्छा लॉस्ट वाली हम कंडीशन बोल रहे हैं कि लॉस्ट 5 मार्बल, उन्होंने दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए, ठीक है ना। तो 45 माइनस एक्स जीवांती पे थे और जॉन पे कितना था एक्स। अब द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल, जब जॉन ने अपने 5 मार्बल्स खो दिए तो जॉन पे कितने बचेंगे, जॉन पे एक्स थे तो जॉन पे अब कितने बचे एक्स माइनस 5। द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवांती व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स, अब जीवांती के पास कितने थे 45 माइनस एक्स थे तो जीवांती के पास कितने बचे 45 माइनस एक्स और उसमें से 5 लॉस्ट कर दिए उसने, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो 40 माइनस एक्स बचा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। 45 माइनस एक्स थे, इसमें से भी माइनस कर दिया 5 और इसमें से भी माइनस कर दिया 5, दोनों ने 5-5 मार्बल अपने खो दिए, ठीक है। अब क्या होता है, अभी कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। ये मेन चीज है कि आपको अब जो प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं की बात नहीं कर रहा, वो बोल रहा है अब जो प्रोडक्ट आएगा मतलब एक्स माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का, वो क्या है, वो होगा 124 के इक्वल, देयर प्रोडक्ट इज 124, ठीक है। क्योंकि आपको ये वाली लाइन और अच्छे से पढ़नी है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, नाउ अब उनके पास जो है अब है 124 उन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर x माइनस 5 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124, दोनों को हमने इंटू कर दिया, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब यहां से आपका सॉल्यूशन शुरू होता है, अभी तक तो क्वेश्चन का पार्ट था समझने का, आपको इक्वेशन बनानी थी। तो अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन आपने सीखा ही होगा कि x की 40 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 40x, x की माइनस एक्स से मल्टीप्लीकेशन करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 5 इंटू 40 माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200 एंड माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस 5x इक्वल टू 124। नेक्स्ट स्टेप आता है, x वाला टर्म हम पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 40x और 5x प्लस होके 45x आ गया, माइनस 200 और इक्वल टू 124। अब माइनस एक्स स्क्वायर यही रहेगा प्लस 45 यही रहेगा, क्या होगा 200 यहां जाके प्लस का हो जाएगा, 200 यहां जाके प्लस का हो गया, तो 124 प्लस 200 कितना हुआ 324 माइनस का। अब सारी इक्वेशन को क्या है, एक्स हम माइनस में नहीं रह सकते ले सकते, तो एक्स को भी हम उधर ले गए राइट हैंड साइड में, एलएचएस से आरएचएस की तरफ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस में आ गया, 45 माइनस में आ गया। जब इक्वल टू के अपोजिट जाता है नंबर तो क्या होता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। ये ऐसा ही रहा क्योंकि ये राइट हैंड साइड में था और ये राइट हैंड साइड में ही है, तो इक्वल टू जीरो। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा इक्वल टू जीरो, आप इक्वल टू इधर लिखे जीरो या इधर लिखें, बात एक ही है, ठीक है। वैसे इनको इधर ले गए हम राइट हैंड साइड में, तो आप ये इक्वल टू जीरो मान सकते हैं, ये आपको इजी पड़ेगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इक्वल टू जीरो अगर है तो आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक ही बात होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आपकी आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, अब आपको फैक्टराइजेशन इसमें लगाना है, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, आपको समझाने में टाइम लग रहा है, एक बार आपको आ गया तो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आपको बस क्वेश्चन को समझना आना चाहिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इतनी बार सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में कि आपको हैबिचुअल हो जाओगे, रूट भी आप बहुत जल्दी निकालेंगे। तो अगर आप ध्यान दें तो ये इक्वेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में दी थी, यही इक्वेशन सेम मैंने आपको ये वाली इक्वेशन मैंने आपको
पिछली वीडियो में दी थी, ठीक है, यही सॉल्व करवाई थी। तो आइए देखते हैं, तो अब हमारा क्या तरीका था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों की मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दी, एक जगह लिख दिया 324x². अब आपको जैसा मैंने बताया था, ये और ये छुपा लीजिए, x इंटू x ही x स्क्वायर बनेगा, आपने लिख दिया। अब आपको सेकंड स्टेप क्या करना था, 324 का आपको क्या करना है, फैक्टर लेना है। सेम मेरी पिछली वीडियो आप देखेंगे तो सेम एग्जांपल मैंने आपको कराया, यही क्वेश्चन दी थी। तो 324 का आप फैक्टर करेंगे, ये फैक्टर आपके आ गए, ठीक है, आपके ये फैक्टर आ गए। अब आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, तो कॉम्बिनेशन क्या बना था आपका, दो का, ये 339 और ये वाला कॉम्बिनेशन बना था, ठीक है, दो कॉम्बिनेशन बने थे, एक ये और एक ये। तो 339 और ये वाला क्या बना, 224, 4312, 12 × 3 = 36। तो 36 एंड 9 आपके दो, एक पेयर बन गए, दो नंबर आ गए। तो दोनों को आपको क्या रखना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको बताया था, आपको बीच वाले मिडिल टर्म पे ध्यान देना है, ना कि इस पे, ये तो आ ही जाएगा। तो -45 पे आपको ध्यान देना, तो -45x कब आएगा, जब आप -36x लिखेंगे और -9x लिखेंगे, क्योंकि माइनस का साइन आना है ना, माइनस का साइन आना है, तो आपको माइनस माइनस दोनों तरफ लगाना पड़ेगा। तो आपको इस इक्वेशन को स्प्लिट करना है, और कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर -36x एक ये और -9x एक ये, प्लस 324 उतर गया, ठीक है। अब इन दोनों का आप इंटू करेंगे जब, तो 324x² भी आपका आ रहा है, इन दोनों का जब आप इंटू करेंगे तो प्लस का ही 324x² आ रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x -36। एक बात मैंने आपको और बताई थी कि जो यहाँ पर ब्रैकेट में आता है वही सेकेंड ब्रैकेट में भी आना चाहिए, नहीं आए तो मतलब आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो दोनों सेम आने चाहिए। तो यहां पर इसीलिए हमने -9, हम प्लस का 9 भी ले सकते थे, अंदर बसता -x, जो कि फिर सही नहीं होता, क्योंकि दोनों सेम आने चाहिए ब्रैकेट में। तो -9 आपने कॉमन लिया, अंदर बचा x ब्रैकेट में, एंड -36, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इक्वल टू 0। अब क्या आपके पास क्या आ गया, दो लीनियर इक्वेशन आ गई, x माइनस 9 और एक आ गया x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या बचा, x इक्वल टू 9 आपका और x इक्वल टू 36 आपके, दो रूट आ गए, x की वैल्यू दो आ गई, 9 एंड 36, ठीक है। तो गाइज आपको आई होप ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा, एनसीईआरटी का चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 1 है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड जो एग्जाम्पल है वो आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 4.1 आपको डायरेक्ट करवाऊंगा। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है सेकंड एग्जाम्पल से रिलेटेड या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितना भी हमने पढ़ा अभी उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में 4.1 एक्सरसाइज के साथ। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।